नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल भी हो सकता है क्योंकि आजकल जो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है दोस्तों, उसी के साथ साथ सिस्टम हैकिंग भी आ चुकी है। यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल जो हैं दोस्तों अभी तक हैक हो चुके हैं। अभी की बात कर लें तो गौरव जोन जो है उनका चैनल दोस्तों हैक की वजह से हैक हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई गई हैकरों ने और उनका चैनल जो है सस्पेंड कर दिया गया। उनके चैनल पर दोस्तों 4 मिलियन यानी कि 40 लाख सब्सक्राइबर थे, जो कि उनका चैनल दोस्तों हैक हो गया। तो आपका भी चैनल हो सकता है हैक, क्योंकि नए नए हैकर जो हैं यूट्यूब की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने चैनल को हैक होने से कैसे बचा सकते हैं और जो हैकर होते हैं वो किस तरीके से चैनल हैक करते हैं, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। और आप भी अपना चैनल जो है हैक होने से बचा सकते हैं इस ट्रिक को फॉलो करके। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अमित और आप देख रहे हैं VIP Tech India यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है, उसको दबा करके सब्सक्राइब कर लेना और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं आपको अपना चैनल जो है किस तरीके से बचा कर रखना है, उसके लिए मैं आपको 5 स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहला क्या करना है, जब आप एक अपना YouTube चैनल बनाते हैं उसके अंदर अगर आप कोई स्क्रीन की वीडियो बनाते हैं अपने YouTube चैनल से या YouTube की या अपनी Gmail से रिलेटेड, तो आपको वहाँ पर अपना Gmail जो है दोस्तों हाइड करके रखना पड़ेगा। वहाँ पर आपको अपना Gmail जो है अपनी वीडियो के अंदर शो नहीं करना, वरना जो हैकर होते हैं वो Gmail देख करके उसके अंदर वो दोस्तों अपनी कलाकारी करके वो चैनल जो है हैक कर लेते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं आप दोस्तों अबाउट में क्या लिखते हैं। आपने देखा होगा हर जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं वहाँ पर अपनी आईडी लिख के रखते हैं, फॉर स्पॉन्सरशिप एंड बिजनेस इंक्वायरीज, वहाँ पर आपका जीमेल लिखा होता है। तो जिस जीमेल से आपका यूट्यूब चैनल बना हुआ है आपको वो जीमेल अबाउट के अंदर नहीं लिखना है। आप दूसरा जीमेल बना करके अपने अबाउट यूट्यूब के अबाउट के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन आपको वो जीमेल अपने यूट्यूब के अंदर नहीं लिखना। तीसरी बात कर लेते हैं, तो कोई भी अनजान लिंक या फिर कोई भी अनजान कमेंट अगर आपकी वीडियो पर आती है उस पर लिखा रहता है इस लिंक को टच करें और आपका चैनल प्रमोट हो जाएगा या फिर कुछ हो जाएगा, तो आपको उस लिंक को टच नहीं करना दोस्तों। होता क्या है, अगर आप उस लिंक पर टच करते हैं तो आपका चैनल जो है दोस्तों हैक हो जाता है। हैकर जो होते हैं वो लिंक सेंड करके अपना आपका चैनल दोस्तों हैक कर लेते हैं। उसके बाद कर लेते हैं बात नंबर 4 की, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक एंड मैसेंजर पर भी अगर कोई लिंक YouTube अगर कोई अनजान लिंक आती है तो आपको वहाँ पर खोलना है उस लिंक को। अगर आप खोलते हैं वहाँ पर आपसे जीमेल मांगा जाता है तो आपको अपना जीमेल दोस्तों नहीं डालना, वरना अगर जिस जीमेल से आपका अकाउंट YouTube अकाउंट है अगर आप उस जीमेल को उसमें डाल देते हैं तो आपका YouTube चैनल हैक हो जाता है। तो यानी कि कोई भी अनजान लिंक, अगर आप कमेंट भी करते हैं कोई कमेंट आती है वहाँ पर अनजान लिंक कोई आती है, आपको उस लिंक को टच नहीं करना। जैसे आप उस लिंक पर टच करेंगे आपका चैनल दोस्तों हैक भी हो सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं नंबर 5 की, जिस आईडी से आपने अपना यूट्यूब अकाउंट बना हुआ है उस आईडी को आपको कहीं भी, कहीं ऑफिस में, कहीं जैसे आप कोई फॉर्म फिल करते हैं उसके अंदर भी आपको उस ईमेल आईडी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो उस ईमेल आईडी को खाली आपको यूट्यूब के लिए रखना है और अपने एडसेंस के लिए रखना है। उसके अलावा कहीं भी आप अगर आपसे ईमेल अकाउंट, जीमेल अकाउंट मांगा जाता है तो आप उस अकाउंट को वहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन आपको अपना यूट्यूब अकाउंट नहीं देना है। और आपका जो भी जीमेल अकाउंट से यूट्यूब बना हुआ है उसका पासवर्ड आपको थोड़ा कठिन सा रखना है दोस्तों, सरल और सिंपल आपको पासवर्ड नहीं रखना, क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्या होता है जो आपका पासवर्ड होता है अगर कोई रीटाइप करता है यानी कि तुक्के में भी, तो आपका पासवर्ड खुल जाता है। जैसे कि बहुत से पासवर्ड कैसे होते हैं 1 से लेकर 8 तक गिनती हैं, 8 से लेकर 1 तक गिनती हैं, तो इस तरह के पासवर्ड आपको नहीं रखना है। आपको कोई हार्ड पासवर्ड रखना है जो कि आपका कोई भी पासवर्ड ना खोल पाए और आपको अपना पासवर्ड जो है किसी को भी गलती से नहीं, क्योंकि आपका चैनल भी दोस्तों हैक हो सकता है और आपको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गई होगी। इसके अंदर मैंने आपको 5 स्टेप बताए दोस्तों, आप इन 5 स्टेप को फॉलो करके अपना चैनल हैक होने से बचा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जाने से पहले इस वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर देना।